अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं और हम देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसको हम सिंपल मेथड के तहत सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन है, 2x+5 इज इक्वल टू 7x+16 अंडर रूट। इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन है एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन वन है 2x+5 इज इक्वल टू 7x+16 अंडर रूट। इसे हम कैसे हल करेंगे? इसके ऊपर अंडर रूट आ गया है, इसे हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे? इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो फिर ये सॉल्व कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2x+5 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 7x+16 इसका भी स्क्वायर आ जाएगी। इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम a प्लस बी के होल के स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। 2x होल का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7x+16। ये हमारे पास आएगा 4x² + 25 + 4 20x इज इक्वल टू 7x+16। हम x वाले इधर ले जाएंगे, 4x² + 20x माइनस 7x + 25 - 16 इज इक्वल टू 0। हम x वाले आपस में ऐड कर देंगे, ये वाले आपस में ऐड कर देंगे, 4x² ये प्लस 13x आएगा प्लस ये 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको या तो प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट रूल के तहत सॉल्व करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए। x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। इसमें हमारे पास ये है a है, a है इज इक्वल 4, हमारे पास b इज इक्वल टू है 13 और सी इज इक्वल टू है 9k, सी इज इक्वल टू 9k है। हम ये अब फार्मूले में पुट करेंगे, बी की जगह -13 ये प्लस माइनस फार्मूले का और बी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ए की जगह हम 4 और सी की जगह हम 9 लिखेंगे उनकी वैल्यू और नीचे 2a की जगह a की वैल्यू। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -13 + -169 आएगा और ये 36 144 आएगा, इसका ये 8 आएगा। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। x इज इक्वल टू -13 + -169 - 144/8। x इज इक्वल टू -13 + - इसको हम अगर माइनस करें तो फिर हमारे पास ये आएगा, ये 7 आएगा, 25 आया, 25/8। x इज इक्वल टू -13 + -25 का अंडर रूट 5 स्क्वायर के बराबर होता है, इसका अंडर रूट करें तो फिर 5 आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ओवर 8। हम इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -13 + -5 + 5/8। इधर एक बार माइनस लिखेंगे, -13 - 5/8। अगर प्लस 5 लिखें, ये -13 और +5 ये हो जाएगा
एट ओवर एट ये एक्स इजिकल टू माइनस वन आंसर आएगा, और इधर आएगा एक्स इजिकल टू माइनस थर्टीन माइनस फाइव ये माइनस एटीन ओवर एट, एक्स इजिकल टू एटीन ओवर एट नाइन ओवर फोर ये इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास दो आंसर आ गया, हमारे पास जो आंसर है माइनस वन नाइन ओवर फोर, इन दोनों में से एक हमारा आंसर करेक्ट होगा, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह हम एक्सरसाइज 1.4 के बकिया ऑल क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा।